मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का चारों तरफ विरोध हो रहा है। दो दिन पूर्व हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, उसके विरोध में आज हल्द्वानी के पंत पार्क में कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक दिवसीय उपवास रखा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हरद्वेश समेत कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर लाठी चार्ज का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का यह कदम बेरोजगारों के लिए बहुत ही आत्मघाती कदम है, जिससे युवाओं में खासा रोष है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया है, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस की बर्बरता की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के सपनों को कुचलने का काम कर रही है और जिससे युवाओं में सरकार इस योजना के प्रति बहुत गुस्सा है। और करण मेहरा ने भी युवाओं पर पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए जांच करने की मांग की। कुमाऊं के हजारों युवाओं के साथ जो उनकी भावनाओं के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है, एक अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा लागू की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके देखिए दो पहलू है। पहला पहलू यह है कि जिन बच्चों ने फिजिकल भी पास कर लिया था, उनकी भर्ती निरस्त हो गई, उनका जो एग्ज़ाम था वो निरस्त हो गया। और दूसरी चीज़ अभी अग्निपथ योजना जारी कर दी गई है, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो ये होनहार बच्चे हमारे, जो सबसे क्रीम बच्चे हैं हमारे, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनकी एक सैन्य परंपराएं रही हैं उनके क्षेत्रों की, उनके गांवों की, उनके घरों की, उस पर इतना बड़ा घात लगाने का काम जो भारत की सरकार ने करा, उसके विरोध में स्वतः ये बच्चे बिना किसी राजनीतिक दल के निर्देश में या बिना किसी की शह के, राजनीतिक व्यक्ति की शह से, खुद जब शांतिपूर्वक जुलूस निकाल लेते, तो जिस बर्बरता से और हिंसात्मक तरीके से पुलिस ने अपना रवैया दिखाया, उसके हम खिलाफ़ हैं। हिंसा कहीं पे भी हो, कांग्रेस पार्टी उसके विरुद्ध रहती है। तभी कांग्रेस ने आज ये यहाँ पंत पार्क में धरना दिया। शाम को कैंडल लाइट मार्च एक प्रतीक, एक संकेत कि अहिंसा के माध्यम से, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, इस लड़ाई को लड़ा भी जाएगा और जीता भी जाएगा। शुक्रवार को हल्द्वानी में जो युवा हैं अपनी मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, वहीं देखा गया है पुलिस द्वारा प्रबलता से लाठी चार्ज किया गया, इसमें क्या कहना है? देखिए, अग्निपथ योजना ने देश के की सुरक्षा को खतरे में डाला है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गढ़वाल रेजिमेंट का घर है, कुमाऊं रेजिमेंट का घर है, फसनागा का घर है और सैन्य परंपराओं से भरा हुआ ये राज्य है। पहला परमवीर चक्र इस देश का इसी राज्य को मिला, हमारे सोमनाथ शर्मा जी के नाम पर। तो अनेकों वीर योद्धा इस उत्तराखंड ने दिए और हमारे यहाँ सैन्य परंपराएं गाँव में हैं। पिता अगर फौज में है तो बेटा भी फौज में जाने की इज्जत पाले है। उनको लगता है कि हम राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और हमारी जो इकोनॉमी है उत्तराखंड की, वो 60% अगर आप माने, वो सर फौज की तनख्वाह पे, फौज की पेंशन पे, फौजी बैकग्राउंड की वजह से है। अगर ये जो अभी योजना जो सरकार लाई है पूरी तरीके से उत्तराखंड के लिए, तो एक बहुत ही बड़ा अभिशाप होगा। उत्तराखंड की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी और हमारे जो नौजवान पिछले तीन चार साल से मेहनत कर रहे थे, भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, वर्जिश कर रहे थे, उनकी उस पूरी ताकत से जो वो मेहनत करी है कोरोना काल में, वो इंतज़ार करते रहे 2 साल तक, आज उनको ऐसा लगता है उनके पास वज्रपात हो गया है। और वो अपने आप जब सड़कों पर निकले, जिस तरीके से पुलिस ने उनको पीटा है, अपनी जान बचाने के लिए मैं देख रहा था, लड़के नेहरू में कूद रहे थे, उसमें भी उनकी जान को खतरा था। तो क्या हो गया ऐसा? आखिर नौजवान कोई क्या इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अभिव्यक्ति का भी आप अधिकार छीन रहे, आप कुछ बोलने नहीं देना चाहते। ऐसा लगता है खाली लोकतंत्र चुनाव लड़ने के लिए है, बाकी जो है कोई डिक्टेटर आके बैठ गया इस देश में। यानी बात की जाए, शासन प्रशासन सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। बिल्कुल, सरकार के इशारे पे दमनकारी नीतियां अपना रहे हैं। मेरे को तो ये भी कहना है कि जो बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, अपने फेसबुक में ग्रुप्स बनाए हैं, उसमें RSS के लोगों ने जो उनके अपने स्लीपिंग सेल पाकिस्तान में हैं, म्यांमार में हैं, बाहर हैं, उनको उन ग्रुप्स में डाला है ताकि इन बच्चों को कल को साजिशतन आतंकवाद जैसी चीज़ों में फंसाया जा सके, उनके ऊपर आरोप लगाया जा सके, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके लोगों को डराया जा सके। मेरी सुस्पष्ट जानकारी है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, देश को कमज़ोर किया जा रहा है, देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा एक अग्निपथ योजना लागू की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे देश में जिस तरह से युवाओं में एक रोष है, गुस्सा है,
और अग्निपथ के नाम पर केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको धोखा दे रही है, उनके साथ उपहास भी कर रही है। देश के युवाओं ने देश की आज़ादी में कुर्बानियां दी हैं, देश के निर्माण में एक अहम भूमिका रही है, और उत्तराखंड तो सैनिक प्रदेश है, यहाँ के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, देश की सुरक्षा की है। उत्तराखंड के नौजवानों ने हमेशा आगे बढ़कर दुश्मनों के साथ लोहा लिया है, लेकिन आज बहुत ही दुखद है कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार छलावा कर रही है, और सुरक्षा सलाहकारों ने भी कहा है कि ये देश की अस्मिता के साथ खतरा है, लेकिन एक तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार जिसके नौजवानों को आज अनशन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए पूरे देश में मजबूर कर रही है, और जिस तरह से हल्द्वानी हो, चाहे उत्तराखंड के कई जनपदों में हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में भी लाठी चार्ज हुआ, एक सुनियोजित तरीके से हमला किया गया और बर्बरतापूर्वक लाठियों से, डंडों से उन्हें पीटा गया, उन्हें घसीटा गया, कई हमारे युवा घायल हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रह गई है। सरकार जिद्दी सरकार है, और मेरा तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार को आखिर झुकना पड़ेगा, और कांग्रेस ने, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने नौजवानों के साथ, आज कांग्रेस नौजवानों के साथ हैं, इस बात का संकेत दिया है, और उन्होंने यह भी कहा है हम भी चाहते हैं कि अहिंसात्मक तरीके से यह आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, किसी प्रकार की हिंसा न हो, किसी प्रकार की आगजनी न हो, और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में, हक की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में नौजवानों के साथ खड़ी है।